जो कुश की पत्नी बनाकर पंडवे मठ में स्थापित करते और गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भिक्षावृत्ति से जीवन निर्वाह करते वे साधक प्रवर या मठर कहलाते हैं, जो ब्राह्मण कंद अथवा मूल फल की एक एक ग्रास का 8 गुणिकाएं बनाकर उन्हीं का आहार करते वे गुटिक कहलाते हैं, जो रात में वीरसान से बैठकर अपने शरीर को ही दंड देने में संलग्न है वे दंडी कहे गए हैं। प्रभात क्षेत्र में रहने वाले जो ब्राह्मण इस प्रकार की वृत्तियों से जीविका चलाते हैं उनके द्वारा बाल रूपधारी भगवान ब्रह्मा सदैव पूजनीय है, जो महापातकी है और जिन्हें ब्राह्मणों ने अपनी पंक्ति से बाहर कर दिया है वे बाल रूपधारी ब्रह्म जी का स्पर्श ना करें। जो दीर्घ जीवी होना चाहते हैं वह ब्रह्मचारी शांत और जितेंद्रिय ब्राह्मण का कभी अपमान ना करें। ब्रह्म जी के प्रति भक्ति भेद तथा यात्रा का ब्रह्म के 108 नाम तथा कार्तिक पूर्णिमा को उनके दर्शन का महत्व है। महादेव जी कहते हैं भक्ति के 3 भेद हैं, लौकिक वैदिक और आध्यात्मिक। गंधमाला शीतल जल घी गूल धूप काला अगुरु सुगंधित पदार्थ स्वर्ण रत्न आदि आभूषण विचित्र हार न्यास स्तोत्र ऊंची ऊंची पाताका नृत्य वाद गान सब प्रकार की वस्तुओं के उपहार तथा भक्ष्य भोजन अन्नपान आदि सामग्रियों से मनुष्य द्वारा ब्रह्म जी की पूजा की जाती है वह लौकिक भक्ति मानी गई है। वेद मंत्र और हविष्य भाग के द्वारा जो यज्ञ क्रिया की जाती है वह वैदिक वैदिक भक्ति है। अमावस्या और पूर्णिमा को किया जाने वाला अग्निहोत्र शस्त्र व प्राशन दक्षिणादान पुरोडास इष्ट धूर्ति सोमपान सब प्रकार के यज्ञ कर्म रंग वेद साम वेद और अजुर्वेद के मंत्रों का जप तथा संहिता भाग का स्वाध्याय है। ये सब कर्म जो ब्राह्मण द्वारा किए जाते हैं ये वैदिक भक्ति के अंतर्गत हैं, जो प्रतिदिन इंद्रिय संयम पूर्वक प्राणायाम एवं ध्यान में संलग्न रहता है, भिक्षान्न से जीवन निर्वाह करता, व्रत के पालन में स्थित रहता है, समस्त इंद्रियों को विषयों की ओर से समेट कर उन्हें हृदय में स्थापित करके प्रजापति ब्रह्म जी का ध्यान करता वह आध्यात्मिक भक्ति से युक्त ब्रह्म भक्त कहलाता है। ब्रह्म जी का ध्यान इस प्रकार करें, हृदय कमल की कर्णिका के आसन पर ब्रह्म जी विराजमान है, उनके शरीर का वर्ण लाल है, नेत्र बड़े सुंदर है, मुख दिव्य तेज से प्रकाशित है, उनके 4 भुजाएं हैं और हाथ में वरद एवं अभय की मुद्राएं हैं, जो ममता और अहंकार से रहित अनासक्त परिग्रह शून्य 4 पुरुषार्थों के प्रति स्नेह ना रखने वाले ढीला पत्थर और स्वर्ण को समान दृष्टि से देखने वाले समस्त प्राणियों के हित के लिए धर्मानुष्ठान में तत्पर सांख्य योग की विधि के याता धर्म के विषयों में शैर सहित तथा प्रतिदिन ब्राह्मण जी की पूजा में संलग्न रहने वाले हैं वे ही ब्राह्मण प्रभात क्षेत्र के श्रेष्ठ निवासी हैं। गायत्री उत्तम मंत्र है, जो पूर्णिमा में उपवास करके गायत्री के अक्षर तत्व द्वारा ब्रह्म जी की पूजा करता है वह परम पद को प्राप्त होता है। यदि ब्राह्मण भयंकर संसार सागर के पार उतरना चाहे तो प्रभास में पूरे कार्तिक बाज भर ब्रह्म जी के पूजन में तत्पर रहे, जिनकी दर्शन मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रभात क्षेत्र में उन बाल रूपधारी ब्रह्म जी की कौन विद्वान पूजा करेगा, जिनके एक दिन का अंत ना हो तो देवता असुर और मनुष्य आदि सब प्राणी विनाश की प्राप्ति होते हैं, उनका पूजन कौन नहीं करेगा। रुद्र और विष्णु के रूप में भी वे लोकनाथ ब्रह्म जी ही पूजित होते हैं, जो पूर्णिमा को उपवास करके जगतपति ब्रह्म जी का विधि पूर्वक पूजन करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। कार्तिक की पूर्णिमा में सावित्री सहित चतुर्मुख ब्रह्म जी को गाजे बाजे के साथ नरमे नगर में घुमाए हुए, तत्पश्चात उन्हें विश्राम स्थापना स्थापित करके तथा स्थान पर स्थापित करके ही फिर ब्राह्मणों को उसी भोजन कराकर शांडिल्य की पूजा करें। उसके बाद मंगलमय वादों की धर्मी के साथ ब्रह्म जी को पुनः रथ पर बिठाया जाए। रथ के आगे शांडिल्य पुत्र की विविध पूजा करके ब्राह्मणों से पुण्य आह्वान कराएं। रथ पर चढ़ाने के बाद रथ में जागरण करें। ब्रह्म जी के दाहिने पार्श्व में सावित्री देवी को स्थापित करें और भोजन को बाएं पार्श्व में ब्रह्म जी के आगे कमल रख दें। फिर वादों
और शंखों की तुमुल ध्वनि के साथ समूचे नगर की प्रदक्षिणा करते हुए रथ को घुमाए और अपने स्थान पर आकर ब्रह्म जी की आरती करके उन्हें यथास्थान विराजमान करें। विराजमान होने पर जो इस प्रकार यात्रा करते हैं, जो उस यात्रा को देखता अथवा ब्रह्म जी के रथ को खींचता वह ब्रह्म धाम में जाता है। जो ब्रह्म जी के रथ के पीछे दीप धारण करता वह पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। राजा को चाहे कि वह ब्रह्म जी की रथ यात्रा अवश्य कराए। प्रतिपाद को ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए और ब्राह्मणों का नवीन वस्त्र गंध माला और अनुलेपन आदि के द्वारा पूजन करना चाहिए। जो कार्तिक की अमावस्या को ब्रह्म जी के मंदिर में दीप जलाता है वह परम पद को प्राप्त होता है। सभी उत्सवों के अवसर पर इन जगतपति ब्रह्म जी की पूजा करनी चाहिए। पार्वती, अब मैं ब्रह्म जी के 108 नाम कहता हूँ। उनका अष्टोत्तर सनातन नाम स्त्रोत्र परम दिव्य गोपनीय तथा पाप नाशक है। वेदों के ज्ञाता महात्मा ब्राह्मण को इसका उपदेश देना चाहिए। पूर्व काल में भगवान विष्णु ने पूछा, देवदेव पितामह आप किन किन स्थानों में किस किस नाम से निवास करते हैं, यह स्मरण करके बताइए। ब्रह्म जी ने कहा, मैं पुष्कर में सुरश्रेष्ठ गया में प्रतिमा कन्याकोज में वेद गर्भ भूर कच्छ में चतुर्मुख कावेरी में सृष्टिकर्ता तथा नंदीपुरी में बृहस्पति प्रभास में बाल रूप वाराणसी में सर्वप्रिय द्वारा द्वारावती में चक्रदेव वैदिदेश में भूनादीप पौंडित में पुंडरीकाक्ष हस्तिनापुर में पिताक्ष जयंती में विजय पुरुषोत्तम में जयंत वाण में पद्महस्त तमोलिप्त में तमोनुद आहिच्छत्रि में जनादंद काचीपुरी में जनप्रिय कर्नाटक में ब्रह्मा ऋषि कुंड में मुनि श्रीकंठ में श्रीनिवास कामरूप में शंभु कुमार उड़ियान में देवकर्ता जालंधर में सष्टा मल्लिका में विष्णु महेंद्र पर्वत पर भार्गव गौतम में तथा गोमद में स्त्री विकार उज्जैनी में पितामह कौशाम्बी में महादेव अयोध्या में रारव चित्रकूट में विरचि विंध्याचल में वराह हरिद्वार में सुरश्रेष्ठ हिमवान पर्वत पर शंकर हे देहिका में उस्त्रा चाहस्त आबुर्द में पद्महस्त वृंदावन में पद्मनेत्र नेमिष प्रायण में कुशहस्त गोपी क्षेत्र में गोविंद यमुना तट पर सुरेंद्र भगीरथ में पद्मतनु स्तन स्थल में जनाधन कोकण में मध्व कपिले में कनक प्रभु खेट में जन आता अन्नदाता कर्तु स्थल में शंभु लंका में पोलस्थ काशी में हंस वाहन अर्बुद में वशिष्ठ उत्प्लावन में नारद मेधक में श्रुतिदाता प्रयाग में अजुष्पति शिवलिंग में सामवेद मार्कंडे स्थान में मधुप्रिय गोमती में नारायण वेदर्भ में द्विजप्रिय अंकुलन में महागर्भ ब्रह्मा गर्भ में ब्रह्मा हव में सुतप्रिय इंद्रप्रस्थम में दुर्दाधर्ष पंपा में सुदर्शन विरजा में महारूप रष्टवर्धन में सुरपु कदम्ब में जनाध्यक्ष स्थमल में देवध्यक्ष रुद्रपीठ में गंगाधर सुपीठ में जलध त्र्यंबक में त्रिपुरारी त्रिशेल में शिशेल में त्रिलोचन पक्षपुर में महादेव कपाल में वेदनाशन श्रृंगवेशपुर में शोरी निविश क्षेत्र में चक्रधारक नीमिंदीपुर में विरूपाक्ष पलक्षपाद में गौतम हस्तिनाथ में मल्यवान वाचिक में द्विजेंद्र हस्त इंद्र में दिव्यनाथ भूतिका में पुरंदर चंद्रमा में हस्तमाहव चंपा में गरुणप्रिय महोदय में महायक्ष पूतक वन में सुयक्ष सिद्धेश्वर में सुलवर्ण विभाग में पद्मबोधक देवदारुण में लिंगी उदकमे उमापति मातृस्थान में विनायक अलका में धनाधीप चित्रकूट में गोविंद पाताल में वसुकी गोविदा में युगाध्यक्ष स्त्री राज्य में सुरप्रिया पूर्णगिरी में सुबोध शालमली में तक्षत अमरी में पापा अंबिका में सुचंद्र नरवापी में महेश्वर कांतिपुर में दुर्गनाश पद्मावती में पद्मगृह तथा गंगन में
मृलाक्षण में नाम से रहता है मधुसूदन, जो इन 108 में से एकमात्र बाल रूपी ब्रह्मा जी का दर्शन कर लेता है, उसे पूर्व तक सभी ब्रह्म विग्रह के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण जो प्रभात क्षेत्र में इन नामों द्वारा मेरा स्तवन करता, वह मेरे धाम को परम पाकर आनंद भोगता है। मेरे इस स्तोत्र के पाठ से या श्रवण से मानसिक, वांछिक और शारीरिक सभी पाप छूट जाते हैं। कार्तिक की पूर्णिमा को जब कृतिका नक्षत्र हो, तब प्रभात क्षेत्र में वह तिथि मुझे बहुत प्रिय है, और यदि उसी तिथि में रोहिणी नक्षत्र आ जाए तो वह पुण्यमय महाकार्तिक कहलाती है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। शनिश्चर रविवार तथा बृहस्पतिवार कृतिका नक्षत्र के योग से युक्त यदि कार्तिक मासिक पूर्णिमा हो तो उसमें बाल रूपी ब्रह्मा जी का दर्शन करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। विशाखा नक्षत्र के सूत्र और सूर्य कृतिका नक्षत्र के चंद्रमा हो तो वह पद्मयोग प्रभात क्षेत्र में दुर्लभ है। करोड़ों पापों से युक्त मनुष्य भी उक्त यशस्वी युग में प्रभात क्षेत्र के भीतर यदि बाल रूपधारी ब्रह्म जी का दर्शन कर ले तो उसे यमलोक नहीं देखना पड़ता। प्रत्युषेश्वर, अनिलेश्वर, प्रभासेश्वर, रामेश्वर, लक्ष्मणशेश्वर, कुंडेश्वर देवी की तथा भूतेश्वर का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, तदंतर सोमेश्वर से ईशान कोण में 50 धनुष के अंतर पर प्रत्युषेश्वर नामक लिंग है, उसके दर्शन से 7 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। धर्मराज से उनकी पत्नी विश्वा ने 8 पुत्रों को जन्म दिया है, जो 8 वसु कहलाए। उनके नाम इस प्रकार हैं, आप भव, सोमधर, अनल, अनिल, प्रत्युष और प्रभास। इनमें 7वें वसु प्रत्युषु पुत्र की इच्छा से प्रभास क्षेत्र में आए और शिवलिंग की स्थापना करके मेरा ध्यान करते हुए उन्होंने शांत चित्त से 200 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न हुआ और मैंने उन्हें पुत्र दिया। योगियों में श्रेष्ठ देवल हैं, उनके पुत्र हैं। प्रत्यक्ष के द्वारा स्थापित और पूजित होने से उस लिंग का नाम प्रत्यक्षर हुआ, जो सत्तानिंद संतानहीन पुरुष उनकी आराधना करता है, उसके कुल में कभी संतति का नाश नहीं होता। जो भक्ति भाव से इंद्रिय को वश में रखते हुए सदा उनकी पूजा करता है, उसका महापाप भी नष्ट हो जाता है। माघ कृष्णा चतुर्दशी की रात में वहाँ जागरण करना चाहिए। जागरण करने से मनुष्य सब दोनों यज्ञों का फल पा लेता है। वहाँ से उत्तर ईशान कोण में दिशान देश में धनुष की दूरी पर अनिलेश्वर लिंग है, उनका बड़ा प्रभाव है। वह दर्शन मात्र से सब पापों का नाश करने वाला। पूर्वोत्तर 8 वसुओं में से अनिल ने मेरी आराधना करके मेरा प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किया है, शिवलिंग की स्थापना की। इससे उन्हें मनोजव नामक पुत्र प्राप्त होगा। अनिलेश्वर का दर्शन करके मनुष्य कभी अंधा, बहरा, गूंगा, रोगी और निर्धन नहीं होता। जो उस लिंग पर एक फूल भी चढ़ा देता है, वह सदा सुख सौभाग्य से संपन्न तथा रूपवान होता है। गौरी तपोवन से पश्चिम 7 धनुष की दूरी पर प्रेमास्वर नामक महान शिवलिंग है, जिसको स्थान पर शिव पूजन प्रायण 8वें वसु प्रभास ने की। प्रभास ने 900 वर्षों तक तपस्या की, इससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें मनोवांछित वर दिया है। प्रभास के पुत्र विश्वकर्मा हुए। माघ मास की चतुर्दशी को समुद्र संगम में स्नान करके मनुष्य भीमी भूमिशयन और उपवास का नियम ले, शत्रुद्रित का जप करें तथा पंचामृत से प्रभास क्षेत्र को स्नान कराएं तथा विधि पूर्वक उनका पूजन करें, एवं यो करने से पूजन सब पापों से उन मुक्त हो जाते हैं, संपूर्ण भूतों से भागों से संपन्न होता है। भागेश्वर से ईशान कोण में 60 धनुष की दूरी पर पुष्करण्य है, वहीं ज्येष्ठ पुष्कर नामक कुंड है, वह समस्त पापों का नाश करने वाला है। पुण्यहीन पुरुषों के लिए वह दुर्लभ, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्रीमान ने वहाँ रामेश्वर लिंग की स्थापना की थी, उसकी पूजा करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। 24वें त्रेतायुग की बात है, पुरोहित वशिष्ठ जी के द्वारा पुत्रेष्टिक यज्ञ कराए जाने पर राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए, उनमें से श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए गए। उस समय यात्रा प्रसंग से वे प्रसंग क्षेत्र में भी आए।
ज्येष्ठ पुरुष के पुष्कर के समीप आकर वे विश्राम के लिए बैठे। सूर्यास्त हो जाने पर उन्होंने पृथ्वी पर पत्ते बिछाए और सो गए। कुछ रात बाकी रहने पर स्वप्न में उन्हें अपने पिता दशरथ जी का दर्शन हुआ। प्रातः काल उठकर उन्होंने ब्राह्मणों से यह सब बात कही। तब ब्राह्मण ने कहा, रघुनंदन पितर आपका अभ्युत्थान चाहते हैं, अब वे वर देने को उद्यत होते हैं। तभी स्वप्न में अपने वसंज को दर्शन देते थे। परम पूर्णिमय स्थान भगवान विष्णु का गुप्त तीर्थ है। प्रवास क्षेत्र में इसकी पुष्य पुष्कर नाम से प्रसिद्धि हुई है। अतः यहाँ पितरों का श्राद्ध कीजिए। निश्चय ही राजा दशरथ इस तीर्थ में आपके द्वारा हुआ शुभ पिंड प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए मैं उन्होंने दर्शन दिया है। इसलिए उनकी बात सुनकर कमल नयन श्री राम ने श्रद्धा के लिए ब्राह्मणों को निमंत्रित किया और सलक्ष्मी सहित कहा, सुमित्रा नंदन तुम श्राद्ध के लिए फल लेने को जाओ। बहुत अच्छा कहकर लक्ष्मण जी गए और उनके प्रकार अनेक प्रकार के उत्तम फल ले आए। जानकी जी ने उन फलों को शीघ्र ही पकाकर तैयार किया। फिर कृतप काल मध्य के समय में नहा धोकर पवित्र हो वलकल धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी श्राद्ध के योग्य ब्राह्मण को बुला लाए। गालो देवल रंभ्य यवकृत पर्वत भरद्वाज वशिष्ठ जाम्बावली गौतम भृगु तथा अन्य बहुत से वेदयज्ञ ब्राह्मण श्री रामचंद्र जी के द्वारा किए जाने वाले श्राद्ध को संपन्न कराने के लिए आए। इसी समय श्री रामचंद्र जी सीता जी से कहा, विधे नंदनी आओ ब्राह्मणों के लिए पाद और अगर दो। यह सुनकर सीता जी वृक्षों के बीच में चली गई और लता कुंज में अपने को छिपाकर श्री रामचंद्र जी की दृष्टि से ओझल हो गई। इधर श्री रामचंद्र जी सोते सीता सीते कहकर पुकारने लगे। तब लक्ष्मण जी ने कही, ब्राह्मण को अर्घ देने का अर्घ कार्य किया। जब ब्राह्मण लोग भोजन कर चुके और पिंडदान का कार्य समाप्त हो गया, तब जनक नंदिनी सीता श्री रामचंद्र जी के पास आई। उन्हें देखकर श्री राम ने पूछा, श्राद्ध काल उपस्थित होने पर तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी। सीता जी ने कहा, हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आज मैंने आपके पिता पितामह प्रपितामह तथा मातामह आदि को भी देखा है। वे पृथक पृथक ब्राह्मणों के अंगों में स्थित थे, अतः उनके सामने जाने में मुझे लज्जा हुई। ससुर वर्ग को उपस्थित देखकर मैं लज्जा से ही छिप गई थी। यह सुनकर श्री रामचंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पुष्कर के समीप ही वहां से एक धनुष दक्षिण हटकर रामेश्वर की स्थापना की। जो मनुष्य गंध पुष्प आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक रामेश्वर का पूजन करता वह भगवान विष्णु के उत्तम धाम में जाता है। शकुल अथवा मंगलयुक्त चतुर्थी तथा अश्वनी मास की षष्ठी को वहां श्राद्ध करने से महान फल होता है। वहां पुष्कर में अपने वंशजों द्वारा तर्पण किए जाने पर पितर और पितामह 12 वर्ष तक तृप्त करते हैं और दूसरी किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करते। रामेश्वर से 30 धनुष पूर्व दिशा में लक्ष्मेश्वर लिंग है। यात्रा में गए हुए लक्ष्मण जी ने उस देव पूजित लिंग को स्थापित किया। जो स्त्री या पुरुष विधि पूर्वक स्नान कराकर भक्ति भाव से लक्ष्मणेश्वर का पूजन करता वह सब पातकों से मुक्त हो जाता है। रामेश्वर से निगृहित कोण में जानकीश्वर लिंग है। जो नारी माघ मास की तृतीया को जानकीश्वर का पूजन करती है उसके वंश में दुर्भाग्य दुख और शोक नहीं होते। तदंतर वामन स्वामी के नाम से प्रसिद्ध पापहारी विष्णु के समीप जाएं, उनका स्थान पुष्कर से निगृहित कोण में 20 धेनु के अंतर पर है। जिस समय उन्होंने दैत्यराज बलि को बांधा था उस समय पहला चरण वहीं प्रभात क्षेत्र में रखा, दूसरा मेरु शिखर पर रखा और तीसरा आकाश में। जब ऊपर की ओर वे पैर चढ़ाने लगे तब उनके चरणों के अग्रभाग से ब्राह्मण फूट गया। तब ब्राह्मण फूट जाने पर वहां से जल निकल आया। वह जल उनके घुटनों के मार्ग में बहता हुआ इस पृथ्वी पर आया। इस पृथ्वी पर विषुपदी गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। महानदी गंगा पहले प्रभात क्षेत्र के अंतर्गत पुष्कर में आई। जो महान विष्णुपदी में स्नान करके भगवान के चरणों का दर्शन करता है वह उनके परम धाम में जाता है। जो वहां ब्राह्मणों को अपना देता वह श्रेष्ठ विमान पर चढ़कर विष्णु लोक में प्रतिष्ठ होता है। वहां से दक्षिण जानकेश्वर के समीप परम उत्तम पुष्करवेश लिंग है, जिसकी पूजा ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने स्वर्णमय कमलों से ही की है। वह सब पातकों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य भक्ति भाव से गंध पुष्प आदि के द्वारा उनकी पूजा करता है उसको पुष्कर यात्रा का फल मिलता है। पुष्कर से वावे कोण में 30 धनुष दूर पर भूतेश्वर निगृहित कोण
कुंडेश्वरी देवी का स्थान है। वे देवी दृढ़ता और पाप का नाश करने वाली है। उनसे नैगृह त्रिकोण में 15 धनुष की दूरी पर शंखोदक कुंड है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। जो पुष्प पुरुष अथवा सदाचारिणी स्त्री शंखावर्त का नाम से विख्यात देवी की पूजा करती, उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। कलयुग में शंखावर्त देवी कुंडेश्वरी नाम से प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में भगवान विष्णु ने जब शंख नामक दैत्य की सारी मारा है, उस समय उसके शंखाकार शरीर को उसी तरह तीर्थ के जल से धोकर पवित्र किया है और मेघ के समान गंभीर ध्वनि वाले उस शंख को वहीं बजाया। उसके गंभीर नाद से वही बजा कुंड के समीप स्थित होकर कारण पूछने लगी। इससे उनका कुंडेश्वरी नाम हुआ। जो स्त्री या पुरुष माघ मास की तृतीया को कुंडेश्वर देवी का पूजन करता है, वह गौरी पद की प्राप्ति कर यात्रा के फल की इच्छा रखने वाले मनुष्य को वहाँ ब्राह्मण दंपति को भोजन कराना चाहिए। कुंडेश्वर से ईशान कोण में 20 धनुष के अनंतर पर भूतेश्वर शिव है। वह अनादि अंतरहीन लिंग कल्पतरु, वह नैगृह्य त्रेता में उसका नाम वीरभद्र था। वह कलयुग में भूतेश्वर हुआ। जब द्वापर और कलयुग की सानिध्य समय चल रहा था, तब उस समय उस लिंग के प्रवास करोड़ों भूत प्राणी परम प्रसिद्धि मुक्ति को प्राप्त हुए। इससे भूतल पर वह भूतेश्वर नाम से विख्यात हुआ। जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात में भूतेश्वर शिव का पूजन करके दक्षिण शिव का, जो जितेंद्र निर्भय एवं ध्यान प्रायण होकर अघोर मंत्र का जप करता, उसको पूर्ण सिद्धि प्राप्त होता है। वहाँ पर पितरों की प्रीति से मुक्ति के लिए स्वर्ण और पिंडदान करना चाहिए।